हेलो 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 हाँ जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम कौन साहब जी मोहम्मद फिरोज बोल रहे हैं मोहम्मद फिरोज भाई अस्सलाम वालेकुम ठीक हो हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी हजरत मेरे सामने जो है एक जो है मतलब देवबंद के मुफ्ती साहब है जो देवबंद को मानने वाले मसलक है। खैर मैंने उनसे उसमें देवबंदी में भी मैंने पूछा कि आप देवबंदी में कौन से हैं तो उन्होंने मना कर दिया जबकि उनके चार फिरके हो चुके हैं। अच्छा तो हाँ तो वो कह रहे हैं कि आप किताब दिखाइए उसका पूरा इबारत दिखाइए तो मुझे जरा उसका किताब भेज देंगे यहाँ पे जो उसका हिब्जुल ईमान है और क्या नाम तकबेतुल ईमान तहजुल नास। हाँ किस मैटर पे बात हुई थी आपकी? वो कह रहे हैं कि उस किताब में आप पूरा इबारत हमको दिखाइए नहीं तो आप बात कर लीजिए। किस इबारत पे आपकी बात हुई थी वो थोड़ा बताइए। वो तहजुन्नास की किताब के ऊपर भी बात हुई थी उस पर भी बात हुई कि नींद पे गुस्सा किया। पहले तो वो मान ही नहीं रहे हैं उस चीज को, कह रहे हैं सीधा वही छिपाने वाली बात है कि हम हनफी हैं। सीधा हम जब मसलक पूछ रहे हैं तो सीधे हनफी बता रहे हैं। तो भाई हनफी में तो दो है ही है देवबंद, अगर आप देवबंदी को मानते हैं तो उसमें चार है उसमें किसमें है तो कहा उस सबको छोड़िए उससे क्या है लेना देना, यही चीजें हैं ये बात है। और किताब के ऊपर कहने कि आप पूरा इबारत उसको समझिए, आप थोड़ा सा इबारत समझिएगा उस चीज को नहीं मानेंगे। हाँ अच्छा लाइए उन्हीं से बात कराइए क्या मामला है क्या मैटर है मैं उन्हें समझता हूँ। लीजिए लीजिए नहीं नहीं हम बात कीजिए ना आप किताब मंगाइए। हाँ किताब दे रहे ना हम क्या बात करेंगे वो नमाज का टाइम क्या बात करेंगे नहीं तो दो बात कर लिए भी हो रहा है नमाज पाँच मिनट यही बात है आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं वो किताब दे रहे हैं ये बता पाँच मिनट में हम क्या बात किताब मोबाइल भेजेंगे हाँ भेज देंगे आप अपने मोबाइल से किताब मंगाइए नहीं लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा लड़ने की जरूरत नहीं है बड़े प्यार मोहब्बत से बात होगी तो मामला होगा वरना काम नहीं चलेगा है ना। कोई भी काम हो तो प्यार मोहब्बत से हो तो अच्छा होता है। आप जो है किताब मंगाइए ठीक है भेज देंगे आपको आज नहीं कल आप संत तसल्ली से बात दो बातें करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे दो बात करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वस्सलामु अला मन सवाल हुदा जी बोलिए खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह जी फरमाइए क्या हाल है आपके जी अल्लाह करम दुआएं जी फरमाइए जी क्या मामला है क्या मैटर है थोड़ा समझाइए। मामला तो कुछ भी नहीं तो आपकी साथी बताएं क्या मामला है क्या मैटर है जी तो आपके साथी ही बताएंगे क्या मामला है क्या मैटर है। मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ मामले ही नहीं है यही मेरे पास आए हैं यही बोल रहे हैं। अरे नहीं लेके आए थे आपके चाहने वाले। हाँ ठीक है मेरे पास आप लेकर के लिए आए हैं वो आपके चाहने वाले लेके आपके चाहने वाले लेकर तो आप ही है ना क्या दावा करना चाह रहे तो दावा मसलन की मसलन बीच में क्या मसला मसला करते मसला क्या मसला हम ये पूछ रहे हैं आपसे आप मसला क्या मसला मसला करते हुए ये बताइए हमको आप मसले जमित मिल जाएगा। हम ये पूछ रहे हैं हम ये पूछ रहे हैं आपको आपको मतलब कुरान हदीस दे जाएगा मसलक ले जाएगा मसलक ले जाएगा। हाँ बोल दो कि मसलक ही जन्नत में लेके जाएगा मसलक के माना होता है रास्ता। हाँ जी जी मसलक के माना क्या है तो क्या मतलब कुरान करीम मसलक नहीं है जी हदीस मुबारक का मसलक नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं कि बताइए हमको कुरान हदीस मसलक नहीं है ये जमाए उम्मत मसलक नहीं है। हाँ तो आपने बताइए मसलक क्या है हम ये पूछ रहे हैं ले जाएगा क्या जो सामने जो हम बोल दिए लड़ाई झगड़ा नहीं बिल्कुल इस तरह का अंदाज आप अगर अपनाओगे तो मैं बात नहीं करूंगा ठीक है। इस तरह का आप अंदाज जमा तो फिर ये बेहतर नहीं है एक मिनट जमात का वक्त हो गया है ठीक है तीन मिनट बाकी जमात खड़ी होने में बात करो फिर एक तो गुस्से में बात करते हो दूसरे फिर कहते हो सामने समझा रहे हैं कि टाइम अभी लिहाज रखिए यार हम ये कह रहे हैं आपको इनको भी हम कह रहे हैं कि जलसा है हमारे यहाँ ठीक मैच तो लग रहा है जी। अब अभी बताइए बात हो जाएगी बीच बीच में जो सारे जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है वही उनसे हम कह रहे हैं कि आप जो है जो कुछ है मंगा लीजिए आप ठीक है जमात तो आप तसल्ली से कल बात होंगे तसल्ली से अभी जलसा है ना जी मैं मुफ्ती हूँ। मुफ्ती है तो आपको जरूरी पता होगा कि जो आपके बुजुर्गों ने किताबें लिखी हैं उनका नहीं मालूम है आपको नहीं मालूम है ना आप भेज दीजिए। अच्छा तो मुझे यकीन है कि अगर आपको मालूम हो जाता तो शायद देवबंदी ना बनते। नहीं नहीं आप भेजिए ना तो ना मालूम होगा आप भेजिए आप चलिए आप भेजिए आप बात करेंगे पहले आप अपना काम निपटा लीजिए ठीक है ठीक ओके।
ठीक है हजरत, तो चले गए अभी अंदर, ठीक है जमा तो नमाज पढ़ाने, ठीक है बाद में कॉन्टेक्ट करेंगे। पहली बात तो ये कि इन लोगों की नमाज नमाज नहीं है, वो तो है ही नहीं, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन अब ये पढ़ तो रहे, तो बहाना तो है ही इनके पास, गुस्सा कर रहे हैं। हाँ थोड़ी इस अंदाज में अगर ये बात करेंगे तो हो सकता है इधर से भी कुछ की बात हो जाए, तो फिर बेहतर नहीं समझता। बात करे आदमी तो ढंग से करे, तरीके से करे, इंसानियत के साथ। नहीं ये मेरे ससुराल का इलाका ही वैसे है ना, तो उलझता तो हम तो इन लोगों के पीछे जाते ही नहीं, ना इनके पीछे मस्जिद में जाते ना ये लोग जो आजकल कुरान खानी करते हैं, फातिहा भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ना हम इनके दुआ में भी शरीक नहीं होते हैं, समझे। हाँ हमको बुलाने तक आते हैं, लेकिन मैं कहना इनके पीछे जाना ही नहीं मुझे। हाँ ये बात है, तो कुछ इनके जो लड़के थे कहा लेके चलिए मेरे वो है बड़े है अच्छा है, काफी मुफ्ती को लेके आया था, पहले तो जो नॉर्मल आदमी था उसके साथ बात करवा रहा था, उसके बाद फिर मुफ्ती से लेके आया, फिर बात हुआ, मैंने डायरेक्टली बताया, मैं अपना मसलक बता रहा हूँ, मेरा मसलक आला हजरत है, आप अपना मसलक बताएं। तो ये गुम हो गए, गुम होने के बाद फिर कह रहे हनफी है, मैं कहा हनफी में तो दो पहलू है, वो समझा कि ऐसे बेवकूफ है समझ जाएगा, लेकिन आप लोगों की मेहनत है जो इन लोगों को मैं धर लेता हूँ समझे। हाँ तो मैंने कहा हनफी में मसला कौन है भाई, देवबंदी भी है बरेलवी भी है, दोनों हनफी को ही मानता है जी, दावा करता है आप कौन से, तो मैं देवबंद से हूँ, मैं कहा देवबंद में कौन से हैं आप है? देवबंद में कौन सा हुआ, मैं कहा देवबंद के चार फिर वाला नहीं है, मैंने कहा चार है, चैलेंज है मेरा, शर्त लगा लो चार फिर के हुए पड़े हैं जी। हाँ तबली हयाती अलग है, मवाती अलग है, तबलीकी अलग है, नदवी अलग है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और ये कहता है इसको गोली मारो, उसको गोली मारो, उसको वो मारो, क्या बात है, मैं कहा उनकी इबारत लिखी है किताब के ऊपर है, तो वो किताब मुझे पूरा ला के दिखाओ। असल में होता क्या है कि ये बहुत जो है मकारी के साथ काम करते हैं। मकारी तो साफ ही दिख गया, मैं उसको दिखा दिया, मैं कहा देखो ये मुकर गया, मैं पहले एक लड़का बताया, मैं कहा इसे दो सवाल करूंगा ये भागेगा जी, इसको कोई वास्ता ही नहीं है, पहले ये कह रहा मैं अभी कोई बात नहीं करूंगा, अभी दो तीन दिन है फुर्सत में बात करेंगे, क्या समझे। ठीक है वो पहले बात कराना इनसे। हाँ ठीक है फुर्सत में इंशाल्लाह जरूर करवाएंगे बात। हाँ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है।